वंदे मातरम, मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने और वो यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज भी एक बिजनेस बता रहा हूं, कैसा बिजनेस, पूरे आइडिया को समझिए बिजनेस को। आज का बिजनेस है कि नौकरी करिए सरकार से और पैसा लीजिए गाड़ी वालों से, वही ये बिजनेस है। देखिए कैसा बिजनेस है, पुलिस वालों का बिजनेस मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। अभी तारीख है आज 29th of December 2021 में मैं खड़ा हूँ और रात के 2:30 बजे यहाँ पे आया हूँ। और ये जितनी जो ये लोग दिख रहे हैं आम पब्लिक के रोड पर नहीं खड़े हैं, हम लोग अभी खड़े हैं बाईपास, कौन सा बाईपास, जगनपुरा यानी कि पटना के बाईपास पे खड़े हैं। घटना क्या हुआ कि एक ड्राइवर का मेरे पास फोन गया, कारण क्या था, लूटपाट। और लूटपाट कौन कर रहा था, लूटपाट करने वाला कोई और नहीं, ये लूटपाट करने वाले पुलिस वाले पेट्रोलिंग वाले आके ये लोग से पैसा वसूलना, पैसा वसूलने के साथ साथ ये लोग को शीशा तोड़ देना। वो शीशा कहाँ टूटा, वो शीशा टूटा हुआ शीशा कहाँ गया, ये लोग पास एक टूटा हुआ शीशा है, गाड़ी पे मतलब डंडे से मारना नहीं है तो हवा खोल देना, उनके गाड़ी को नलकी खोल देना, यही सब समस्या है। और ये सारी गाड़ियाँ जो आप दिखाई दे रही है आपको, ये बालू की गाड़ियाँ हैं। और कारण क्या होता है, ये गाड़ियाँ आ रहा है पटना जिला से ही, अगर बालू पे लोडिंग की बात करूँ अरवल जिला का स्टार्टिंग पॉइंट है, टोटल मुश्किल से 5-7 किलोमीटर के बाद पटना डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। वहां से जब थाना पड़ता है, पहला थाना पड़ता है कनपा, कनपा है ना, कनपा 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 से जब आगे चलते हैं तो पड़ता है विक्रम, विक्रम से जब आगे चलते हैं तो नौबतपुर, नौबतपुर के बाद जब हम आगे चलते हैं तो पड़ जाएगा जानीपुर, जानीपुर से आगे चलते हैं तो फुलवारी शरीफ, फुलवारी शरीफ से जब हम आगे चलते हैं जहाँ ये लोग शांति थोड़ा सुकून से ये लोग बैठ सकें, सुकून से सोच सकें, तो यहाँ पे दो थाना है, एक तरफ है रामकृष्णा नगर थाना, एक तरफ है कंकड़बाग थाना। यानी कि इन सारे जगह पे जो लूट होता है वो कैसे कैसे होता है वही मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। जब गाड़ियाँ वहाँ से चलता है मनमाना पैसा मांगा जाता है, कहीं 200 कहीं 400 कहीं 500, जिसका जितना दिल करे उतना तनख्वाह मिलने के बाद भी लूट का सिलसिला चलता है। अब आम पब्लिक को भी मैं इसलिए ये बात वीडियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में कि आप लोग का काम है इस वीडियो को शेयर करना। अगर आप लोग घर बना रहे हैं, आपके रिलेशन में किसी का घर बन रहा है तो बालू महंगा होने का क्या कारण होता है, बालू सोना कैसे बनता है, सोना इसी तरीके से बनता है, जब चलता है वहां से बालू तो हर थाने पे पूजा के रूप में कहीं 500 कहीं 1000 कहीं 200 कहीं 400 इस तरह से पैसे लगते हैं। और कारण क्या होता है कि आपका गाड़ी ओवरलोड है, ओवरलोड है तो पैसे दे देंगे तो वो अंडरलोड हो जाएगा गाड़ी, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो गाड़ी क्या होगा, वो ओवरलोड कहलाएगा। दूसरा एक चीज और बताता हूँ, माइनिंग डिपार्टमेंट की जब मैं बात करूँ, ये पहला माइनिंग डिपार्टमेंट मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे माइनिंग डिपार्टमेंट, जहाँ से बालू निकलता है, जहाँ से बालू का माइनिंग हो रहा है, वहाँ जाके गाड़ियों को नहीं पकड़ता, चाहे माइनिंग में जो घाट मालिक है उनसे कुछ नहीं बोलता है, वो कहाँ बोलता है, वहाँ से आने के 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के बाद गाड़ी को पकड़ता है कि आपका गाड़ी ओवरलोड है। ओवरलोड हुआ कैसे बालू, उस चीज़ को वो नहीं देखता है, वो ये देखता है कि ओवरलोड लाया कौन। डेली उनका काम है माइनिंग डिपार्टमेंट का, कभी नौबतपुर, कभी विक्रम, कभी फुलवारी शरीफ, कभी पटना तक, यानी कि 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर तक आके माइनिंग डिपार्टमेंट इन गाड़ियों को पकड़ता है। लेकिन सरकार की जवाबदारी ये नहीं है कि उससे ये पूछे कि तुमको गाड़ी कहाँ से मिला, गाड़ी के जड़ तक क्यों नहीं जाते, सांप की माँ को क्यों नहीं मारते, सांप को क्यों मारते हो, लाने वाला क्या करेगा, जहाँ से बालू मिलता है वहाँ क्यों नहीं रोक लगाते हैं। तो यही सब समस्याएं हैं। आप सबसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप सब आज मेरे साथ हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं 29 तारीख को 2:30 बजे रात में, आप लोग कारण बताइए, क्या क्या कारण है, किस वजह से खड़े हैं और आप क्या चाहते हैं सरकार से। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग आप लोग बताइए यहाँ पे आपकी समस्याएं, बताइए क्या क्या समस्या आप लोग के साथ आता है, बालू क्यों इतना महंगा है, बिहार वासियों को पता लगना चाहिए कि ये चोर पुलिस के बारे में बताइए, ये MBI के बारे में बताइए, यहाँ पे एंट्री पासिंग चलता है, यहाँ पैसे दे के लोग एंट्री करा के भी लोग जाते हैं तो उनको गाड़ी छोड़ दिया जाता है। मैं सारी समस्याओं को ये बता रहा हूँ लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी, एक तरफ सरकार मिली हुई है, एक तरफ पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, आम जनता करे क्या। आप सबसे पूछना चाहूँगा, बताइए। हम लोग चलते हैं पहले मसौड़ा घाट से जाते हैं तो आते आते मुझे कनपा थाना लेता है, पुलिस पैसा लेता है और प्लस विक्रम थाना भी 200 रुपया लेता है, 200 रुपया से नीचे तो लेता ही नहीं है। अच्छा, 200 रुपया क्यों लेता है आप लोग, कह रहा है ओवरलोड है, मुझे अंदर लोड लाइए चाहे ओवरलोड लाइए, हमको उससे मतलब नहीं, मुझे 200 रुपया मुझे चाहिए। हाँ, उसको 200 रुपया चाहिए क्योंकि सरकार इसका मतलब उसको तनख्वाह नहीं देती है। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इन लोगों को तनख्वाह दीजिए,
क्यों बेइज्जती कराते हैं, लोग तनख्वाह क्यों नहीं देते हैं? बेचारे ये लोग गाड़ी वालों से पैसा ले लेके अपना तनख्वाह, अपना परिवार, अपना घर चलाते हैं। सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि उनको तनख्वाह दीजिए, उनसे उनको पैसा दीजिए। या अगर आप तनख्वाह दे रहे हैं और वो लोग फिर भी मनमानी कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी मिलीभगत सरकार है, संस्था इसी तरह से चल रही है। क्योंकि जब दो पहिए की सरकार होती है तो यही होता है। क्या ये बात सही है, क्या आप लोगों से पैसा लिया जाता है? हाँ, सबसे पैसा ले भाई। नहीं, आप भी झूठ बोल रहे हैं, आप बताइए, आपसे भी लिया जाता है? हाँ, लिया जाता है। आप लोग से भी पैसा लिया जाता है? हम लोग तो बहुत परेशान हो गए सर। अच्छा, बहुत परेशान हो गए बोलिए कि पब्लिक सुन पाए। हम लोग प्रशासन से बहुत परेशान हो गए हैं। अच्छा, बताइए, हम लोग के वहाँ से आते आते यहाँ से 500-700 रुपया देने पड़ता है, मालिक मानते नहीं हैं। अब हम लोग क्या करें, यहाँ 2000 रुपया बचता है, 1800 रुपया बचता है, 500-700 पुलिस के दीजिए। तो डेली पुलिस लेता है आप लोग? रोज दम 300 दिन लेते हैं वहाँ। मतलब वो लोग प्रशासन नहीं है, कहा जाए वो लोग मतलब वो गुंडा राज बना लिए हैं। अच्छा, जिसको मन इसको धर लीजिए और बोलिए, बोलते हैं लोग साइड करो, हमको चाहिए 500 रुपया, कोई बोलता है 200 चाहिए। अच्छा, बहुत तरह। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एक बात बताइए, रात का 2:30 से 3 बज गया है और तारीख हो गया है 29, तो मैं यहाँ पे क्यों आया, मुझे क्यों बुलाया गया, आप बता सकते हैं? हाँ सर, यहाँ पे आए हुए कि रोड कंकड़बाग के थाना आता है और जगनपुरा में रामकृष्ण नगर में पड़ता है। अच्छा। हाँ, इसमें डेली गेट को मेरा पीट पीट के उठाता है डेली, जो हम लोग सही से नींद पूरा नहीं होता है, और पीटता है उठाता है, उसके बाद 100-200 रुपया हमसे डेली लेता है यहाँ पे थाना वाला। गाड़ी लगाने नहीं दिया जाता है? तो आप लोग उसको पैसा देते हैं ना? देते तभी जाता है, नहीं तो जाता कहाँ है? तो क्यों, कारण क्या है, पैसा क्यों लेता है, क्या कारण उसका, मतलब ऐसा क्या है कि वो पैसा आप लोग से लेता है, बताइए, आप लोग भी बताइए। पैसा इसलिए लेता सर, जोर से पार्किंग से मांगता है। बताइए क्या कारण है? कारण यही है कि पैसा पुलिस देखता है तो ओवरलोड गाड़ी है, जगाड़ी पैसा हमको चाहिए। तो ये ओवरलोड आता क्यों है, कारण हम आपसे पूछना चाहेंगे। कारण ये है, कारण ये है कि यहाँ बिहार में अभी पटना जिला में मंडी नहीं है, मंडी नहीं है, इसके कारण गाली लगावे कहाँ, तो बाईपास पे गाली लगता है, थाना तंग करता है, जबकि रोड टैक्स हमारा मालिक दे रहा है खुद का, तो गाड़ी कहाँ लगाएगा, घर में ले जा करके कि रोड पे लगाएगा? अच्छा, मतलब ये कहना है कि बिहार सरकार बालू तो वहाँ से उठवा दिया, तो बालू का मंडी कहीं नहीं है बिहार के अंदर, इस पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई मंडी का जगह नहीं स्थाई किया गया है। तो ये गाड़ी वाले आते हैं और रोड के साइड में गाड़ी को लगाते हैं, तो पुलिस का भी कहना सही है कि भाई पार्किंग तो आपका है नहीं, तो जब उसको 200-200 रुपया पार्किंग के लिए दे देते हैं, पुलिस वाले के जेब में डाल देते हैं, तो फिर बोलता है कि सब बढ़िया है, सब एकदम सही चल रहा है। यानी कि पैसा दे दीजिएगा तो पार्किंग आपको मिल जाएगा और पुलिस वाले को पैसा नहीं दीजिएगा। हम लोग के यहाँ अभी जगनपुरा में चाहे कहीं मंडी रहता तो मंडी में गाड़ी लगाते, काहे के लिए इतना परेशानी होता? हाँ, तो इनका ये कहना है कि सरकार को मंडी लगाना चाहिए, मंडी बनाना चाहिए, तो मंडी तो है नहीं, और नहीं है तो लोग लगा देते हैं गाड़ी को साइड में, और पुलिस आके शीशा लाइए, शीशा दिखाइए, ये देखिए ये मार के तोड़ दिया गया शीशा, भाई पैसे दीजिएगा क्यों नहीं, जाइएगा कहाँ? ये नीतीश कुमार जी की सरकार है और पुलिस उनकी है, तो कैसे नहीं दीजिएगा, पैसा देना पड़ेगा आपको, पैसा दीजिए, नहीं पैसा दीजिएगा तो किसी का शीशा टूटेगा और किसी का टूटेगा गेट। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है भैया, अगर गाड़ी लगाना है पटना में, रंगदारी आपको देना पड़ेगा, पुलिस को रंगदारी आपको देना पड़ेगा, ट्रैफिक पुलिस को खरोच आएगा सभी को। हाँ, तो ये हालत है, अब क्या बोले इससे ज्यादा, आप देख सकते हैं यहाँ का कंडीशन। ये लोग का गाड़ी भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल रोड पे लगा, रोड से साइड में लगा हुआ है, पुलिस को उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा, सब कुछ देते हैं, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा अगर यहाँ पे आपको आना है तो, रंगदारी टैक्स पुलिस को देना पड़ेगा। ये पहला मतलब मैं देखता हूँ कई स्टेट, मतलब कहाँ कहाँ नहीं रहा मैं लाइफ में, लेकिन ऐसा कंडीशन पुलिस का कहीं देखा नहीं, और शर्म करना चाहिए यहाँ पे के DGP को कि पुलिस की आपकी ये व्यवस्था, ये हालत, ये इतने लोग मेरे बुलाने पे नहीं खड़े हैं, ये लोग अपने मर्जी से आए, लोग का परेशानियों को देखते हुए जब मेरे को फ़ोन गया, तभी भी मैं सुन रहा हूँ सारे आवाज़, मैं सोया हुआ हूँ, मैं रिकॉर्ड मतलब उसके बात को नहीं किया, वो ड्राइवर बोल रहा है कि देखिए ऐसे हो रहा है, कितने फ़ोन आए तब मैं आया हूँ यहाँ पे निकाल के, और फिर उसके बाद बोलता है कि पैसा क्यों नहीं देंगे, जब मेरा ये माइक देखा तब जाके वो भागने लगा, तब कुछ लोगों ने इसमें से वीडियो बनाया, वो वीडियो को भी मैं इस पर डालूंगा। ये 2 बजे रात के सर जाता है, पैसा वो लेता है 100 रुपया
और 50 रुपया लेके जाता है, डेली आता है और डेली ले जाता है। आप इसके बारे में कुछ कीजिए सर। मारबो करता हम लोग के, नहीं देता है तो गाड़ी हटवा देता है। हाँ सर, ठीक है सर, हम लोग वीडियो बना रहे सर। रोड कर खराब कर दिया सर ये। मदद क्यों चला गया? आप इसको बहनों के भेज दीजिए वहाँ। तो यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, तो पब्लिक तक इस बात को पहुँचाइए कि क्या है और आप लोगों को बालू क्यों महंगा मिल रहा है, उसका रीजन को समझिए, उसका कारण को समझिए। गाड़ी नंबर भी व्हीकल नंबर में डालूंगा इसके अंदर कि कौन सा व्हीकल नंबर था, उसका रिकॉर्डिंग भी किया ड्राइवरों ने, वो सारा मैं इसमें अंदर डालूंगा। बस ये है कि गाड़ी पर खाली पटना पुलिस लिखा रहता है और उसमें कहाँ का पुलिस है वो नहीं लिखा रहता है। ये कंकड़बाग का है या की कतुला है, वहाँ का रामकृष्ण नगर का है। मैं सरकार से भी विनती करना चाहूंगा कि सर आप लोग भी उस काम को करिए। अगर कौन सा थाना इन लोगों को किसको पता लगेगा, उस पर गाड़ी पे लिखा है BR01AP5201। अब आपका काम है कि 29 तारीख को 2:30 बजे रात में किसका ड्यूटी था, कौन था पेट्रोलिंग में, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, लीगली कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन कुछ नहीं होगा, होगा कुछ नहीं। चोर चोर मौसेरे भाई, यहाँ पे सारा कुछ मिला जुला सरकार है, आम आदमी परेशान है। तो चलिए गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी तरह के वीडियो मैं बनाने का कोशिश करता नहीं हूँ, मैं बनाता हूँ बिजनेस रिलेटेड वीडियो। लेकिन एक नया बिजनेस आइडिया मेरे को मिला कि पुलिस की नौकरी कीजिए और पब्लिक से पैसा लूटिए, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बनाया हूँ। चलिए गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मिलते रहिए इसी तरीके से, प्यार बनाए रहिए। चलिए गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।